भयंकर परी, जैसे दरवाजा है खुलता पर जाए इसका वार उल्टा। अंदर वरना अपन को भी यही खाने को मिलेगा। चल निकलते चिल्लर पानी, चल ए चल 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 चल। मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा आखिर ये बच्चों से क्या काम करवा रहे, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। कौन सा रूप लूं? हाँ यही सही रहेगा। हे नटखट परी, गुंडे कर रहे हैं बच्चों को परेशान खूब, उन्हें सबक सिखाने के लिए बदल जाए मेरा रूप। जल्दी बताओ तोबा तोबा, इस जादुई कुंड में देखकर बताओ मानव और मेहर कहाँ हैं? हाँ हूँ बताता हूँ बताता, मैं रखिए थोड़ी सी शांति और मानिए एहसान मेरा कि ले आया ये जादुई कुंड अपने साथ भयानक लोक से। एहसान मानो ठीक है, जब तुम बातें उल्लूओं जैसी करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हें उल्लू ही बना दूँ। अरे रुकिए रुकिए परी भयंकर, हो जाती है आप भी बड़ी जल्दी से गुस्सा। अभी हूं मैं दिखाता। हे जादुई कुंड, दिखा दो मुझे कि है कहां मानव और मेहर। कितना मजा है ना मैं, मोंटू हम पे रंग डालने के लिए आया था, खुद पे ही रंग गिर गया। हाँ। और आज तो बालवीर भी नहीं था तो उसका ये हाल हुआ। सोच कल जब मोंटू ऐसे पक्के कलर से हमारे साथ ऐसी मस्ती करेगा तो उसका क्या हाल करेगा। एक मिनट, कल बालवीर भी आ रहे हैं हमारे साथ खेले खेले। हाँ। उसके पास इतना टाइम होगा क्या? उसको तो कितनी जगह जाना होगा ना, वो कहीं और जाए या ना जाए, लेकिन हम तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो उसे हमारे साथ होली खेलना आना ही होगा। सुना तुमने बालवीर, कल तुम्हें हमारे साथ होली खेलना आना ही होगा। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया मैं। अब तुम्हारे बुलाने पर तो बालवीर को आना ही पड़ेगा होली खेलने। अब लेकिन खेलेगा बालवीर होली ये सुनकर आप क्यों हो रही हो इतना खुश? क्योंकि ये होली बालवीर की आखिरी होली होगी। सोच रहा होगा बालवीर भी ऐसा ही आपके लिए। अब अरे करेगी क्या ऐसा जिससे होगी बालवीर की आखिरी होली। खेलेंगी इस रंग से बालवीर के साथ आप होली? नहीं, बालवीर के साथ खेलने से पहले मैं तुम्हें ये रंग लगाना चाहती हूँ। मैं आखिर प्रधान आपका, लगाइए लगाइए रंग लगाइए। भयंकर निकालो मुझे यहाँ से।
आज तुम इस दलदल में फंसे हो, कल तुम्हारी जगह बालवीर यहाँ होगा। ये उस जादुई रंग का कमाल है। जैसे ही ये जादुई रंग बालवीर पर लगेगा, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ दलदल में फंस जाएगा। अरे, लेकिन परी भयंकर, अगर गया में फंस यहाँ, तो डालेगा कौन रंग बालवीर पर? उसकी प्यारी मेहर, मेहर खुद अपने हाथों से अपने प्यारे बालवीर पर रंग लगाएगी और उसे मेरे पास भेजेगी। इस होली के बाद बच्चों की जिंदगी से बालवीर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर कभी कोई बच्चा होली या दिवाली नहीं मना पाएगा, कोई नहीं। ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। ए, जल्दी कर रहे, ए टाइम पास नहीं, तू क्या कर रहा, जल्दी चल फास्ट कर, ए खाना नहीं खाया क्या रे, जल्दी चल। ओए, और तू भी, ए सॉरी बस सॉरी, बैठे खाना। ये सब क्या हो रहा है और ये बच्चों से जबरदस्ती काम क्यों करवा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ए, हाथ चलाओ। ए, क्या? आपने तो बोला बॉस हाथ चलाने के लिए। हाथ चला मतलब जल्दी जल्दी काम करने का। सॉरी बॉस। हाँ तोड़ो रे। अरे ए रुक जाओ। अरे बॉस आपने तो बोला तोड़ने के लिए। सॉरी बॉस सॉरी। ये तोड़ने के लिए बोला था। चले ठीक से पाउडर बना रहे तभी तो होली के लाल रंग में मिक्स कर पाएंगे ना। लेकिन बॉस ईट मिलाएंगे तो जब बच्चे रंग लगाएंगे तो उनको चुभेगा ना। चुभे क्या? चुभे तुझे चुभा क्या? और हाँ वो लाल पाउडर भी मिक्स कर उसमें, एकदम मिर्च की तरह तेज है। और पीला पत्थर उसको भी तोड़ने का, सब कलर चाहिए अपन को होली में। अगर बच्चे इन रंगों को कल एक दूसरे को लगाएंगे तो उन्हें काफी तकलीफ होगी। इस रंग से उन्हें जलन होगी और उनके चेहरे भी खराब हो सकते हैं। ए, 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 रुक। अरे क्या कर रहा है तू, सारा दूध डाल देगा क्या इसमें? बेटा ये मिलावट की दुकान है, चुने का पाउडर डाल दे फटाफट। क्या मस्त चुना लगा रहा है बॉस। क्या बोला बे? कुछ नहीं कुछ नहीं। ए छोटू चल चुने का पानी डाल। अरे बॉस ये देखो हमने काले सफेद पत्थर भी लाया है। काले के लिए? काले पत्थर काले किशमिश के लिए और सफेद पत्थर काजू के लिए। अरे वाह येड़ा। ओह सॉरी पकिया येड़ा, तो लोग बहुत जबरदस्त आइटम लेके आए दोनों है। चलो बस। रंगों के साथ खाने में भी मिलावट और इससे जो मिलावटी चीजें बनेगी अगर वो कल होली में बच्चे और बड़े खाएंगे तो ना सिर्फ उनके मुंह का स्वाद खराब होगा बल्कि उनकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। इन्हीं सब वजह से हर साल न जाने कितने बच्चे और बड़े बीमार पड़ते हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे ये काम नहीं करना है। अगर हमने जरा भी आवाज की तो ये तीनों हमें जम के पीटेंगे, इसलिए चुपचाप काम कर। मैं भी देखता हूँ तीनों हमें मिलके कैसे पीटते। मैं बालवीर को ही बुलाऊंगा। अरे बालवीर ऐसे छोटे काम करने के लिए आएगा क्या? बालवीर के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों। और बालवीर आएगा नहीं, आ गया है तुम्हारी मदद करने के लिए और इन बदमाश गुंडों को सबक सिखाने के लिए। ए, अरे बॉस सोया कहाँ हूँ? अरे ये तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे को बोल रहा हूँ। ए, उठ रहे फटाफट काम करने का, ज्यादा नाटक नहीं चाहिए मेरे को। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इसका इलाज है मेरे पास। अभी गायब होकर इन्हें सबक सिखाता हूँ।
तो कहा छोड़ो? अरे लकड़ी छोड़ो, लकड़ी हमने पकड़ी नहीं। अरे खींचो। ए पकिया, बॉस क्या मस्त पोज दे रहा, एक फोटो खींचो। अरे बॉस क्या मस्त फोटो आया है, मेरे साथ एक फोटो खींचो। कोई मुझे खींचो। हाँ बॉस, आरो खींचो। दंग लगा के ऐसा नहीं रहे भैया, जोर लगा के, दम लगा के, छोड़ छोड़ दो, अभी छोड़ दो। हमने परीलोक तो भयंकर परी से जीत लिया, लेकिन ये जीत रानी परी के बिना अधूरी है। परियों, हमें इस बात का दुख है कि रानी परी भयंकर परी के कब्जे में है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी परी जो चाहती थी वही हुआ। आज परी तारा और परीलोक भयंकर परी से सुरक्षित है। हाँ बाल परी, जब तक रानी परी वापस नहीं आ जाती, परीलोक की कमान कौन संभालेगा? और रानी परी की जगह सब फैसले कौन लेगा? हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी को तो रानी परी की जिम्मेदारियों का दायित्व उठाना ही होगा। मगर कौन गाल परी, और हम ये फैसला कैसे ले सकते हैं? परियों, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर पूरे परीलोक में रानी परी के बाद किसी के पास भी सबसे ज्यादा बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत और तजुर्बा है तो वो बाल परी है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक रानी परी वापस नहीं आ जाती, तब तक बाल परी को ही परीलोक का सिंहासन संभालना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नटखट परी। हाँ, और बाल परी से बेहतर परीलोक को और कोई संभाल नहीं सकता। हाँ, और हम सब परियां बाल परी का कितना सम्मान भी करती हैं। सम्मान? अरे सम्मान के लायक तो सिर्फ भयंकर परी हैं। ये सब तो कमजोर परियां हैं, ये क्या बनेंगी रानी परी। यही सही फैसला होगा, बाल परी ही रानी परी की जगह लेंगी। खुश रहो रानी परी। विराम परियों, विराम डुबा डुबा। हम जानते हैं कि आप सब हमारा बहुत सम्मान करते हैं, और जब तक रानी परी लौट कर ना आ जाए, तब तक उनकी जगह किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। और इसलिए हम परीलोक की सुरक्षा और संचालन के लिए ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन रानी परी बनकर नहीं, हम रानी परी की सेवक बनकर ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे। और इसलिए हम रानी परी के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, और कोई भी परी हमें रानी परी कहकर नहीं बुलाएंगी। हम आपकी बाल परी हैं और बाल परी ही रहेंगे। ये लीजिए बाल परी, आज से ये राजदंड आपकी जिम्मेदारी है। बहुत हंसी आ रही है, अब 32 ही दिखा रहा है, अभी दिखाता हूं तेरे को।
थपोस। अरे गधे मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो, जाओ। अरे छड़ी हवा में कैसे घूम रही है? अरे छड़ी कहाँ गई? छड़ी तो आपके पीछे है। कर दीजिए मुझे माँ परी भयंकर, नहीं कहूंगा मैं आगे से आपको कमकल लोमड़ी की शक्ल नकारा, बिल्कुल मेरी तरह परिभयंकर, निकालो मुझे यहाँ से बाहर, कर दीजिए मुझे माफ। बालवीर भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मुझसे माफी की भीख मांगेगा, मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अरे लेकिन मुझे तो कर दो माफ, आखिर हूँ मैं आपका वफादार प्रधान। चलो अच्छा, नहीं कहूंगा आपको बनाने को प्रधान भी, अब तो निकालो मुझे यहाँ से बाहर। इतनी भी क्या जल्दी है तौबा तौबा, थोड़ा तो और मजा लेने दो मुझे। चाहता मैं भी हूँ बालवीर को देखना इस दलदल में डूबते हुए, इसलिए निकालो मुझे बाहर परी भयंकर, बचाओ परी भयंकर, जा रहा हूँ मैं और भी अंदर, परी भयंकर निकालो मुझे यहाँ से बाहर, परी भयंकर निकालो मुझे यहाँ से बाहर, बचाओ। ज्यादा मत हिलो, जितना हिलोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे तुम, और कुछ ही देर में पूरी तरह से इस दलदल में समा जाओगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.